नमस्कार नुआ सकाळरे सब चासी भाई भोनी मानको अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु वंदिता स्वागत करुछि। एबे आसंत जीवा कार्यक्रम को जानि नेबा मुख्यांश गुडी। वैज्ञानिक पद्धति रे वर्षा दिनिया घास चासर प्रथम भाग। मका पृथ्वीर तृतीय शस्यप्रद फसल। एही फसलर अत्यधिक अमलक्षम रहिथिबारु एहा शस्यप्रद फसल राणी नामरे परिचित। मका भारतर प्रत्येक प्रदेश रे चाष करा जाय। मका गोटिए उष्म परिवेशर फसल। मकारु गो खाद्य, कुकुड़ा खाद्य ओ उत्तम शिशु खाद्य प्रस्तुत हुए। अतएव मका चाष उत्पादन ओ उत्पादकता वृद्धि निमन्ते यथेष्ट सुविधा रहिछि। तेणु एठारे उन्नत प्रणाली रे खरीफ मका चाष विषय रे आलोचना करिबा। मका एक अर्थकारी फसल अटे। यह साधारणतः पोड़ी सीझेक खिया जाए। यह व्यतीत मका गोखाद्य, घुषुरी खाद्य, माछ खाद्य हिसाब से व्यवहार करा जाए। एवं मका हूँ शिशु मानक एक उत्तम खाद्य। मका आमर ओडिशा रे साधारणतः वर्षा ऋतु बेसी परिमाण रही थाए चाष हो था, बेसी जमी चाष हो था। यह अभ्यंतरण जिला मानक बेसी जमी चाष हो था। मका समुद्र पतन ठारु आरंभ करी उच्च पहाड़िया पर्यंत चाष करा जाई पारथे। आउ मका वर्षरे वर्षा दिन, शीत दिन ओ ग्रीष्म समय रे चाष करा जाई पारि। आयतन दृष्टि रु वर्षा दिन मकार आयतन सर्वाधिक। एवं मका पई उपयुक्त बुणीबा समय होछि जून मास। स्थल विशेष रे जुलाई मास प्रथम सप्ताह पर्यंत मका बुणा जाई पारे, किंतु यहाँ पर बुणिले अमल ह्रास पाई थे। साधारण चाषी मानक लगे उपयुक्त समय मन रखापी आम वर्षा दिनिया मका को रज पूर्व रज संक्रांति पूर्व एवं शीत दिनिया मका फसल को काली पूजा पूर्व एवं ग्रीष्म दिनिया फसल हिसाब से आम मकर संक्रांति पूर्व बिहन को जमीरे बुणी पार। मका बालिया दोरसा माटी एवं पटु जमी रे भल भाव होता है। मृत्तिकार पीएच बा क्षारम्लता 6.5 रु 7.5 मध्य रही मका भल चाष होता है। शतकड़ा 80 भाग रु अधिक गजा अंकुरोद्गम क्षमता थिबा बिहन को मका साधारण आम दुई प्रकार देखा मिलता है। गोटे हूँ कंपोजिट मका एवं अन्यटे हूँ शंकर बा हाइब्रिड किस्म मका। कंपोजिट मका गुड़िक साधारणतः 85-95 दिन मध्य अमल होता है। हाइब्रिड किस्म मका गुड़िक साधारणतः 95-110 दिन मध्य अमल होता है। बजार रे कंपोजिट मका विभिन्न प्रकार किस्म उपलब्ध अच्छी। से मध्यरे नवजोत जहाँकि 90-95 दिन में अमल होता है। अमल क्षमता 55 क्विंटल प्रति हेक्टर। यह व्यतीत मेघा एक किस्म अच्छी जहाँ कि अमल समय 90-95 दिन। यार मध्य उत्पादन क्षमता 45 क्विंटल प्रति हेक्टर रही। बिहन परिमाण मकापाई होछि कंपोजिट जातीय मकापाई 6-7 किग्रा प्रति एकर रे एवं शंकर किस्म मका 6 किग्रा प्रति एकर आवश्यक होता है। एवं बिहन व्यवहार करने पूर्व बिहन विशोधन करने नितांत आवश्यक। एथिपाई आम ट्राइकोगाम भेरिडी 5 ग्राम प्रति किग्रा बिहन सहित गोल पारिबा किंबा सुडोमोनास फ्लोरेसेंस 5 ग्राम किग्रा प्रति गोल बिहन विशोधन करिपारिबा। बिहन को एजोटोबैक्टर 400 ग्राम ओ फस्फोकल्चर 400 ग्राम सहित गोल बुणिले सार परिमाण 1/4 कम देवाक पड़ी थाए। मका साधारणतः धाड़ी ही चाष करा जाए। परीक्षित बिहन व्यवहार करवा उचित एवं विशोधित बिहन व्यवहार करवा आवश्यक। कंपोजिट जातीय मका धाड़ी को धाड़ी 60 सेंटीमीटर और गोछ गोछ 25 सेंटीमीटर व्यवधान में लगेबा आवश्यक। यह दूरत लगे एकर प्रति प्राय 27,000 गछ
लागिबो एवं वर्ग मीटर प्रति 5-6 गछ रहिबो। सेहिपरी शंकर जातीय किसम मका धाड़ी को धाड़ी 60 सेंटीमीटर और गछ गछ 30 सेंटीमीटर दूरतार लगेबा। ए दूरतार लगेले एकर प्रति 22,500 गछ रहिबो एवं वर्ग मीटर प्रति 5-6 गछ रहिबो। एबे गोटे छोटिया बिरतिर समय, बिरति परे रहिछि वैज्ञानिक पद्धति रे वर्षा दिनिया घास चासर प्रथम बिरति परे आपनको पुनी थारे स्वागत। पारंपरिक अवस्था रे बहुत चासी भाई गाई गोरु रखि आसुछन्ति। समय थिला लोक माने सबु बाहर को गाई गोरु चरै नेउथिले एवं घरे मध्य रखुथिले। व्यवसायिक भित्तिरे जदि जणे गाई गोरु पालन करुछन्ति ताहाले निश्चित भाबरे घास चास करबाको पडिबो। आज अध्याय देखिबा घासर उन्नत चास पद्धति विषय रे। एही विषय रे डॉक्टर अनंग कुमार दास कोण कहिछन्ति आसंतु जानिबा। यार शेष भाग देखिपारे परवर्ती अध्याय। वर्षा दिन में क्यों गोखाद्य जातीय घास बा फसल करिहेब एवं ताद्वारा चाषी माने कौन उपकारिता अर्जन करिपारे ता विषय में आम पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। प्रथमे मु कहि रखे जे वर्षा दिन में क्यों क्यों फसल गुड़िक गोखाद्य हिसाब से आपण बढ़े पारे एवं सेगुड़िक करिबा द्वारा चाषी मानकर मध्य निश्चिंत रूप से लाभ हो पार। यही फसल गुड़िक हेउची मुख्यतः गोखाद्य जातीय मक्का, गोखाद्य जातीय मांडिया, गोखाद्य जातीय जवार जहाँ आमे कही था बाजरा एवं आउ गोटे होची स्टाइलो एवं आउ गोटे होची अंजन घास। अंजन घास दुई प्रकार गोटे साधारण अंजन घास गोटे होची ब्लैक अंजन घास जहाँ को कला अंजन घास बोली कह जाए आउ गोटे होची सुबाबुल गछ एवं परिशेषरे आजोला। आजोला जदियो एक ब्राउनिंग करिवारे व्यवहार करा जाए जहाँ को आपण कही था कृषि क्षेत्र में ताको सबुज सार हिसाब से व्यवहार करा जाए तथापि मुझे कही रखे आजोला मध्य एक गुरुत्वपूर्ण प्राणी खाद्य रूप से व्यवहार करा जाए पारिबो। तेणु ए समस्त विषय उपरे आमे किछि आलोचना करिबा। प्रथमे मक्का, मक्का मंजी आजिकाली ओडिशार प्रत्येक भेटनारी डिस्पेन्सरी बा प्राणी चिकित्सालय मानकरे किट हिसाब से मिली पारुची गुड़िक पाई का आपण जदि बुणीबा को चाहिबे तबे निश्चिंत रूप से आपको बुणी पारिबे काहेकि ना एहा अत्यंत सुस्वादु गाई गोरु माने एहा को बहुत भल भाव खाई थांती एवं एहा मध्य अत्यंत न्यूट्रिशियस जहाँ को आमे कही था पोषणयुक्त एवं यहाँ का मृत्तिका आवश्यक सामान्यतम दोरसा मृत्तिका जहाँ कि बालीजुक्त होतम मटीजुक्त दोरसा मृत्तिका निश्चिंत रूप से आवश्यक। यही मृत्तिका परीक्षण कराने दरकार कहीं मृत्तिकार जदि अम्ल अंश 5.5-8.5 भितर थी तेल जाए मक्का गछगुड़िक भल भाव बढ़ी पार। तेणुक मृत्तिका परीक्षण कराने निहाती आवश्यक। अत्यधिक लुणिया मृत्तिका किंबा अत्यधिक परिमाण रे आपणकर खारिया मृत्तिका एवं अत्यधिक परिमाण रे जदि अम्ल मृत्तिका हुए ताहले मक्का गछ गुड़िक भल भाव बढ़ी पारिबो नाही। द्वितीय जिनस हला ए मक्का गछ गुड़िक किपरि भाव रे एवं को समय रे बुणिबे आपण जून मासर शेष पक्ष रे बा द्वितीय पक्ष रे बा जुलाई मासर प्रथम पक्ष रे ए मक्का गछ गुड़िक बुणिबा दरकार। जेतेबेले मंजी बुणिबे ता पूर्वरु सामान्य परिमाण रे आपणकु बीज गुड़िक विशुद्धिकरण करिबाकु पड़े। विशुद्धिकरण करि सहित आपण आजो स्पाइरिलियम जहाँ को आम कही था बीजाणु सार 250 ग्राम प्रत्येक केजी प्रति आपण जदि मंजी प्रति ताकु जोग कर दियंती ताहले से मंजी गुड़िक भल अंकुरोद्गम हो पार एवं भल फल आपको दे पार। एम को धाड़ी बुणा जदि आपण करती ताहले निश्चिंत रूप से भल हो पार। तेणु धाड़ी मध्य आपणकर व्यवधान 30 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर गछ मध्य व्यवधान रहा दरकार। ता सहित आपण को जबखार जान फस्फरस पोटासीयम सार मध्य दबाकु पड़े एवं एथि निमन्ते आपण को 80 केजी 40 केजी 40 केजी मात्र 80 केजी जबखार जान 40 केजी फस्फरस 40 केजी पोटासीयम मध्य दबाकु पड़े। प्रथम थर आपण फस्फरस एवं पोटासीयम 40 केजी संपूर्ण रूप से हल कर सारा पर पकई देबे किंतु 80 केजी जो आपणकर बळिबो जबखार जान सार ताकु आपण तीन भाग करिवे। प्रथम एक तृतीयांश आपण जेतेबेले हल कर सारिबे तापर पकई देबे। द्वितीय एक तृतीयांश जेतेबेले
ଗଛଟି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଉଞ୍ଚା ହୋଇଯିବ ସେହି ସମୟରେ ପକାଇବେ। ତୃତୀୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ପତ୍ର ଉପରେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଳୁଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ପ୍ରି ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଳୁଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଟ୍ରାଜିନ୍। ଆଟ୍ରାଜିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ କେଜି 500 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଳୁଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ରୋକିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉଠିସାରିବ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 2-4-D ଏବଂ ସେହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ କେଜିକୁ 500 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଯଦି ପକାଇବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଳୁଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ନାଶ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାଟିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 50% ଉପରକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ମକା ଗଛଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ବହୁତ ପରିମାଣର ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 100 କେଜିରୁ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ 200 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର ହେକ୍ଟର। ତେଣୁକରି ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଫଳପ୍ରଦ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି। ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫୁଲକୋବି ଓ ବନ୍ଧାକୋବିର ଚାଷ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଗୁଆ ବାହାରୁଥିବା ଫୁଲକୋବିର ଦାମ ବଜାରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ରୁହେ, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଚାଷ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଣିପାଗର ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୋବିଗୁଡ଼ିକର ଚାରା ଉତାରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଚାଷୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫୁଲକୋବିର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ଚାରା ବା ବନ୍ଧାକୋବି ଚାରା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲଗାଇବେ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତଳିଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ଜୁଲାଇ 10 କି 15 ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତଳିଘରରୁ ଉତାରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ତଳିହାରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲକୋବି ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ତଳିହାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଚାରା ଉତାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 16 କିସମ ନିହାତି ଭାବରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 60-75 ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 16 କିସମ ମଧ୍ୟରେ ଆମର 4ଟି ଭଲ ଭେରାଇଟି ରହିଅଛି ଫୁଲକୋବିର, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ପୁଷା ୟାଲି ସିନ୍ଥେଟିକ୍, ୟାଲି କୁଆଁରୀ, ପୁଷା ଦୀପ୍ତି, ପୁଷା ଦୀପାଳି। ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏକର ପିଛା ସାଧାରଣତଃ ଆମର 200-300 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କେଜି ମଞ୍ଜି ପିଛା କୀଟନାଶକ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି କ୍ୟାପ୍ଟାନ୍ ହେଉ ବା ଥିରମ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ନହେଲେ ଆମର କାର୍ବେନାଜି ବା ବାବେଷ୍ଟିନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ତାକୁ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କେଜି ମଞ୍ଜିରେ ମିଶାଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ବିଶୋଧିତ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ତଳିହାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଚୟନ କରିବେ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଉପରୁଆ ବା ଯେଉଁଠି ପାଣିଟା ଭଲସେ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବ ସେହି ଉପରୁଆ ଜମିରେ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ତଳିହାରର ଆକାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାର ଲମ୍ବ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର 3 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର 1 ମିଟର ଏବଂ ତଳିହାରର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ରହୁଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବେ, କାରଣ ତଳିହାର ଯଦି ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଜମିବାର ବହୁତ ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଗିଡ଼ା ବା ଉପର ଜମି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତଳିହାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁଯାକ ମାଟିଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟିଗୁଡ଼ା ଚୁନଚୁନ ହୋଇଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ତଳି ପଟି ପିଛା 30 କେଜି ଶୁଖିଲା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ ରହୁଛି 100 ଗ୍ରାମ ଆମର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳିଘରରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା ଉଇ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଉ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତଳିଘର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ 100 ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପରିମାଣରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତାକୁ ଆପଣ 5-7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତଳିଘରକୁ ଜୈବିକ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା କିମ୍ବା ଥିରାମ୍ ଦ୍ରବଣରେ 3 ଗ୍ରାମ ଲିଟର ଏବଂ 5 ଲିଟର ଦ୍ରବଣ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ବିଶୋଧନ କଲେ
मूल सढ़ा रोग कमी जाए। तापरे से जो विशोधित जो करिसले मंजी को ताको आपण आमर जो तळीघेरा प्रस्तुत करचंदी सेठी नेकिना लगेबे। तळीघेरा रे आपण लगे पूर्वरु साधारणतः तळीघेरा रे आपण जो आमर जो बाउंसर रहउची से बाउंसर सहाय रे गारो टाणी दियंतु। गारो गारो डिस्टेंस आपला आपणकर रहिवा दरकार 5 रो 7 सेंटीमीटर। तापरे जो विशोधित करिक जो रखिचंदी मंजी को ताको आपण 2 रो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे दूरता रखिकी ताको लगे दियंतु। तापरे बुणी सरला परे ता उपरे जो रहउची आमर अवशिष्टांश ऊपर माटी प्लस तासित अल्प किसी कंपोस्ट मिसेकिना तापर ताको बिछेकी घोड़े दियो। झरा साजरे साधारणतः जलसेचन करंतो केबे भी आपण पाइप साजरे जलसेचन करिवेनी। कारण पाइप साजरे जदि आपण जलसेचन करचोंदी पानीटा बहुत फोर्सफुली तापर पड़ी थाए जहा द्वारा कि आपणकर मंजी बाहर जीवार मध्ये आशंका थाए। सेतिपई सबले झरा साजरे जलसेचन करंतो। जलसेचन करया पुरु आमर जो आमर सुखिला नडा रहउची नडा को तापर भलावर बिछे दियंतु तापर ताको जलसेचन करंतो। जेहेतु चासी हे माने वर्षा दिन आपण तळीघर प्रस्तुत करचोंदी तो पानी होची एक मुख्य समस्या। सेतिपई सेडिंग मटेरियल हिसाबरे आपण जो रहउची आमर ग्रीन नेट ताको यूज करिवेरिवे। आ जदि जो चासी माने टिके गरीब श्रेणी जदि से माने जदि सेड नेट जे माने आयोजन करि पारु नाहांती ताले आमर जो रहिची बाउंस बाउंस कणी को आपण चारि साइड रे ताको लगांतु। ता उपरे आपणकर जो नडिया बहंगा रहउची ताको मध्ये देकी मध्ये आपण छावणी तयार करि पारिवे। नहले किछि पॉलिथिन जो रहउची बा अखा रहउची ताको मध्ये आपण छावणी हेबरे व्यवहार करि पारिवे। गोटे कथा रहले कि आपणकर जो तळीघेरा रहउची तळीघेरा रु तळीघेरा भितरे आपण सबुबेले गोटे मीटर बा नहले 70 सेंटीमीटर नाळी सबुबेले मेंटेन करंतु जो नाळी रे कि आपणकर जल भल भाबरे निष्कासित होई पारु थिबो। आपणकर तळीघेरा रो मेन समस्या होउची कि जेले आपणकर गछडी 15 रु 20 दिन रो हे जाउची तळीटी सेतबेले आपणकर पत्रकटा देखा जायथे आ मेन होउची आपणकर मूळपचा रोग देखा जायथे। तो ए जो मूळपचा रोग जो होउची आपण तो ट्रीटमेंट करथिले तापर जदि भी जो आपणकर मूळपचा रोग देखा होउची ताहाले आमर आपण जो आमर कार्बेनाजिम प्लस मैंकोजेब रो जो द्रवण रहीची ताको आपण 2 ग्राम गोट लिटर पाणी मिसैकिना मूळ को भल भाबरे स्प्रे करंतु बा ट्रेंचिंग करंतु जहा द्वारा कि मूळपचा रोगरु आपण तक रक्षा करिपारिबे। एहा छोडा आपणकर तळीघेरा रे आउ गोटे मेन रोग होउची पाउंसिया रोग ताको जो आम पाउडर मिल्डु तो पाउंसिया रोग पे आपण ओटेबल सल्फर को ताको 2 ग्राम गोट लिटर पाणी मिसैकिना स्प्रे करिपारिबे। एहा छोडा आपणकर सेमी लुपर बा पत्रकटा पोक माने ताको पत्र को मध्य संध्या टाइम रे काटिकि खाई जाइथांति। तो सेतिपई आपण अप्लाई करिबे ट्राई एजोपस गोटे एमएल गोट लिटर पाणी प्लस आपणकर जो निम्ब तेल रहउची ताको 3 एमएल गोट लिटर पाणी मिसैकिना स्प्रे करंतु। आपणकर जेतेबेले तळीटी जेतेबेले हेगला आपणकर 30 रु 35 दिन रे सेही टाइम रे नेकिना आपण जदि जुलाइ 15 जदि करचोनी ताले आपणकर अगस्त 15 सुद्धा आपणकर तळी उतरी हे जाइथिबो। तो से तळी को मेन फिल्टर लगे पूर्वरु ताको आउथरे जो आपणकर आमर जो रहउची कार्बेनाजिम ताको 2 ग्राम गोट लिटर पाणी मिसांतु। तापर आपणकर जो तळी जो रहिचे ताको 10 मिनिट पर्यंत से जो द्रवण रे बुडाइ रखंतु। तापर ताको नेकिना मेन फिल्टर रे लगांतु। एमरे जदि से माने परामर्श बुझि नेकिना जदि एई सब उपाय रे जो कोहाला जदि ठीक भाबरे परिचालना करिवे ताले निहाति भाबरे आपण ए जो आगु जो अगस्ट मास आसछि से टाइम रे ठीक भाबरे आपण उन्नतमानर तळी उतारिकि ताको मेन फिल्टर लगेकि ताको बेसी रेट रे बिक्री करिकि आपण लाभवान होई परिबे। आजिर अन्नदाता आपणक सेवा सोपानरे कहा प्रश्नर उत्तर रहिछि आसंत जानिबा। आजिर अन्नदाता कार्यक्रम निशुल्क फोन सेवा माध्यमरे गंजाम जिल्लार चिकिटी ग्रामर चासी राकेश कुमार साहू से कृषि कार्यरे विभिन्न प्रकार यांत्रिकरण विषयरे किछि तथ्य जानिबाक चाहुचंति। आसंत जानिबा आमर ए प्रस्तुति को। खरीफ चाषवास पाई आमर चासी भाई माने क्षेत्र प्रस्तुति करिबा आरंभ कलेनी जेहेतु वर्षा आरंभ होई जाइछि। तेणु ए क्षेत्र प्रस्तुति मुख्यतः आमर चासी भाई मानक पाई एक प्रथम पर्यायर एटा चाष कार्य आरंभ। तेणु क्षेत्र प्रस्तुति भल भाव केमिति करिबे चासी भाई माने सेटा जानि रखिबा उचित। क्षेत्र प्रस्तुति शतकड़ा 16 भाग निर्भर करे। जदि आमे फसल अमल को 100 भाग नबा क्षेत्र प्रस्तुति निर्भर करे शतकड़ा 16 भाग। सेथिपाई आमर चासी भाई माने क्षेत्र प्रस्तुति को ठीक भाबरे कले जाय भल फसल पाई पारिबे। जदि बिहन बुणुछंती बा रोइया पई आपण प्रस्तुति आरंभ करचंती ताहले क्षेत्र प्रस्तुति भल भाबरे करंतु। ता पई विभिन्न प्रकार यंत्रपाती रहिछि आमर देसी लंगल टू आरंभ करी लोहा लंगल ट्रैक्टर पावर टिलर रोटावेटर ए सब गुड़ाक आमर क्षेत्र प्रस्तुति पई विभिन्न प्रकार यंत्रपाती कम खर्च अल्प परिश्रम एवं अधिक अमल पाया पई हेले आमको विभिन्न प्रकार यंत्रपाती व्यवहार करियाकू पड़िबो। तेणु आमर देसी लंगल टू आरंभ करिकरी लोहा लंगल मोड़पत्र लोहा लंगल हेवी सॉइल प्लाउ बा मोटाळ माटी पई लंगल तापरे आपण पावर टिलर रोटर रहिची तापरे आमर रोटावेटर रहिची किछि किछि चासी भाई माने 99 टिलर रे एवं केजुअल लगे ट्रैक्टर रे मध्य आमर क्षेत्र प्रस्तुति करचंती। किंतु एठी कहिबा कथा हला जे आम गाँ गहल रे वर्तमान
बलद संख्या कमीगलाणी एवं लेबर मध्ये मिलूना तेणु आम जांत्रिक पद्धति रे सबु प्रकार चाष कार्य करने को वर्तमान पड़ो कहीं जांत्रिक पद्धति कले आमर तीन टा मुख्य उद्देश्य साधित हो कम खर्च अल्प परिश्रम एवं अधिक अमल एवं जांत्रिक पद्धति आप चाष करवा आम ठीक चाष कार्य ठीक समय आम करदी ठीक चाष कार्य करें ठीक समय आमर दिन गड़ी से पटे आप फसल अमल बहुत कमीज तेणु ठीक भाव चाष करने ठीक भाव ठीक चाष कार्य ठीक समय करने आमको जांत्रिक पद्धति को आपणाइवा पड़ो पावर टिलर रोटर साहय रोटावेटर साहय चाष करूँ जहाँफल मटी गुंड होखिला चाष कले मटी पूरा गुंड रदुआचारे चाष कले जो रोईवाई आम क्षेत्र प्रस्तुति करमर पूरा मटीटा भल भाव मिसीजी एवं पखापाखि छ इंच रु मटी काटिकी रोटावेटर पावर टिलर रोटर से भल भाव मिसई दिए तेणु क्षेत्र प्रस्तुति को भल भाव कले जाए आमर जो आम सब इनपुट गुड़ाक देवा चाषर जोटा आम सार देवा से गुड़ाक गच्छ भल भाव ग्रहण करना फल भल फसल हे तापर आमर पडलर मिलूँ आईडीपी पडलर अच्छी तापर आप पडलर 99 एगुड़ाक बलद टणा कादुअ करने जंत्र ताद्वारा आपण मैने कादुअ करें आ जो चाषी मान पावर टिलर बा रोटा रोटावेटर ट्रैक्टर रोटावेटर अच्छी से मैंने से व्यवहार करी फसल को ये आम जमी को भल भाव प्रस्तुति रखत एवं आउ गोटे कह कथा जदि कादुअ चाष कर रोटावेटर रे हो बा पावर टिलर रे हो आपण सब चेष्टा करेंगे जे ब्लेड लगे कादुअ चाषपाई एवं शुखिला चाषपाई रोटावेटर हो बा पावर टिलर रोटर हो एल ब्लेड लगे दी प्रकार ब्लेड आसी था एल ब्लेड एवं जे ब्लेड तेणु सेटा करिवा द्वारा कौन सुखिला चाष पाई जे ब्लेड रे भल भाव माटी गुंड होता है एल ब्लेड रे भल भाव माटी गुंड होता है जे ब्लेड रे भल भाव कादुअ करी हुए कादुअ कर साइला परे जाई आपणकर माटी बसिला परे आपण रोइबे जदि आपणकर यंत्र चालित धान रुआ यंत्र साहाय्य रे करछंती माटीटा ठीक भाव में बस कादुअ कर साइला परे रोटावेटर रे करंतु बा पावर टिलर रोटर रे करंतु तापर जाई आपणकर रोइबा आरंभ करेंगे तापाई तली प्रस्तुति आपण आगर करा पड़ो नर्सरी बेड करा पड़ो एणु एटी कह कथा है जदि आप क्षेत्र प्रस्तुति भल भाव करेंगे शतकड़ा 16 भाग निर्भर करे आमर फसल अमल उपरे एणु विभिन्न प्रकार जंत्रपाति बलद टणा जंत्र शतकड़ा 75 भाग रिहाती रही सरकार तरफ आउ जोटा आप पावर टिलर रे शतकड़ा 75 शतकड़ा 50 भाग मैक्सिमम 75,000 टंका जाए सब्सिडी अच्छी एवं रोटावेटर जो मैंने ट्रैक्टर चाषी मैंने रखिंट रोटावेटर साहय जो मैंने चाष करा जमी प्रस्तुति कर चाहती रिहाती रही 75 भाग शतकड़ा 25 भाग मैक्सिमम 80,000 टंका जाए सब्सिडी मिल पार चाषी मानक सब्सिडी आप रोटावेटर हो ट्रैक्टर हो डीबीटी माध्यम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम आपारे एवं मुख्यतः क्षेत्र प्रस्तुति ठार आरंभ कर धान अमल पर्यंत विभिन्न प्रकार जंत्रपाति साहय जंत्रपाति साहय ने पड़ो जहाँ को आम कृषि जांत्रिकरण कहचे कृषि जांत्रिकरण वर्तमान जुगरे आमर निहाती पड़ो कहीं लेबर आमर कमी जा गाँ गाँव में बलद गाई आउ नहांती तेणु आम चाष कार्यपाई विभिन्न प्रकार जंत्रपाति व्यवहार करवा समस्त जंत्रपाति सरकार तरफ रिहाती रही जहाँकि आपण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जरिया रे पाई पारिबे सीधा आपण अकाउंट को सब्सिडी आसीबो एणु आपण आ कहा पाको जीवा दरकार नै निज आईडी प्रूफ रे जोटा आपण रजिस्ट्रेशन करछंती सेथिरे आपण जाय कि निजे निजे परमिट काटिबे एवं निजे निजे से जिंस पत्र गुडा को कंपनी थ्रू रे आनिबे एवं आपण अकाउंट को फुल पैसा आपण देबे जंत्रर पूरा पैसा आपण देबा को पड़िबो एवं डीबीटी माध्यम रे आपणकर निज अकाउंट को सब्सिडीटा आसीबो चाषी भाई मैंने यही जो जंत्रपाति कहली रोटावेटर एवं पावर टिलर को आप डीबीटी माध्यम आनी पारे जहाँ कि सब्सिडी अमाउंट चाषी भाई अकाउंट रे डिपोजिट हे आपण समस्या कि मतामत को आम निःशुल्क फोन में निश्चय पचारत समय अपराह 4:00 to 5:00 आउ नंबर है 1800-4192-155 समय इशारा दे कार्यक्रम को ये रखुचु काली आउ किछि नुआ तथ्य नहीं करी आसिबु देखिबा को जमार भूलिबेनी ठीक एही समय रे विदाय दियंतु नमस्कार।